तो यार मुझे यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ी बिकॉज मेरे पीछे भी एक गाड़ी लगी है। भाई इसके एक बंदे को बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी मैं उसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ एंड लॉबी में, सॉरी ऊपर नहीं यार। एंड यहाँ पे देखो एक पैन दिख रहा है मेरे को बिल्कुल हल्का सा, मैं गया यहाँ पे और टीम थी भाई इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा था बिकॉज भाई पैन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे एंड थ्रो हुआ होगा या फिर पड़ा होगा ऐसे ही ग्लिच में। लेकिन जैसे उस बंदे ने भाई नेट का पिन खींचा मैं यहाँ पे नीचे आया, नेट फटा ऊपर और उस बंदे को पेला मैंने यहाँ पे नीचे। एंड जैसे इसको पेला वैसे ही एक और नेट आया, मतलब सामने की बहुत सारी टीमें हैं जो कि अभी रस कर रही हैं यहाँ पे एंड इसकी टीम में एक लास्ट बंदा और बच रहा होता है जिसको कि मारना है। तो फिलहाल मैं इसकी पट्टी लूटता हूँ, लूटने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे आया था ना तो यहाँ पे एक और टीम पहले से ऑलरेडी बैठी हुई थी कैंप की है, वाली टीम को भी देखना है एंड इसके टीम में एक लास्ट बंदा मेरे हाथी चढ़ता देखते जाओ। तो फिलहाल लूट वगैरह हो चुकी थी एंड जैसे मैं यहाँ पे आया उसका एक बंदा नीचे कूदा, उसकी लास्ट टीम का जो बंदा बच रहा था ना ये बेचारा क्रिंज हो गया इसका, क्या क्रिंज नहीं सॉरी क्या बोलते हैं सैंडविच हो गया, क्रिंज बोल रहा हूँ मैं। एंड ये दो टीम को बीच में फंस गया एंड पेला गया ठीक है। अब यार एक टीम के बंदे और बच रहे थे, तो यार जिस तरह इस गेम प्ले की स्टार्टिंग हुई थी ना मुझको लग नहीं रहा था मैं एक भी किल निकाल पाऊंगा, लेकिन एट द एंड तुम्हारे भाई ने 18 किल पेल डाले। फिलहाल देख रहे हो बंदों के फुल स्टेप आए जा रहे हैं, मेरे ग्राफिक्स एक भी लोड नहीं है, फाइनली ग्राफिक्स लोड हुए, सामने कनपड़ी दिखाई दी, बैरल है एंड सामने बंदे हैं, बैरल उठाऊंगा तो मारा जाऊंगा शायद से सोच रहा था, लेकिन रिस्क लिया तब भी तुम्हारे भाई ने उठाई बैरल एंड सामने बंदा था पीछे से फुट स्टेप आ रहे थे, पीछे वाले को पढ़ते हैं पहले, एम सीधा हेड पे एंड बंदा डाउन और इसको पहले पूरा फिनिश करते हैं इसकी लूट, इसकी लूट लेने के बाद में अपन देखेंगे और बंदों को। तो फिलहाल यार लूट वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी एंड लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे देखता हूँ। ये बंदा M24 ना लिया था एंड भाई बैक टू बैक इसकी पूरी टीम के बंदे मेरे पर रस कर रहे हैं और मैं आता हूँ पीछे एंड पीछे आने के बाद में भी रस कर रही है तो भाई पीछे आना पड़ेगा। देखना यार यहाँ पे क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आता लेकिन देखते रहो बस क्या होता है यहाँ पे। मेरे पास में नेट था, आगे गया मैं एंड आगे जाके मैंने वो नेट खींचा एंड फेंक दिया, जैसे फेंक एक बंदा आया जो वाले बंदे को नॉक एंड फिनिश करने, एक और बंदा शायद शायद से बॉट, ये वाले बंदे को भी मैंने यहाँ पे नॉक करा एंड नॉक करने के बाद में फिनिश करा एंड फिर उनकी पेटी वगैरह लूटने के बाद में अभी वो ब्लू वाला जो आसमानी वाला बंदा शायद से याद होगा वो बंदा भी मुझे लग रहा है बच रहा है यहाँ पे, बंदे तो खैर बहुत हैं। फिलहाल मैं इसकी पेटी लूटता हूँ, पेटी लूटने के बाद में अब देखेंगे और बंदों को। तो यार लूट में कर चुका था, लूट करने के बाद में मैं आता हूँ सी बिल्डिंग साइड में, अब जो वाले बंदे होते हैं ना वो आते हैं इस साइड पे एंड सामने एक बंदा इसके हाथ में भाई TBS है, बिकॉज TBS भाई डेंजरस है ना, शॉर्ट गन्स आल जानते हो तुम बहुत खतरनाक चलती हैं, चौल देखना भाई कितने फास्ट रस करेगा भाई, देख रहे हो इसकी हिम्मत की। जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चले गया। फिलहाल यार यहाँ पे जो मिलिट्री बेस था ना ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, बॉट वगैरह बज रहे थे भाई क्या करें मार के निकलता हूँ मैं यहाँ से, निकल जाते हैं सीधा पोचिंगी पे। अब यार मैं बंदे ढूंढने आया था लेकिन चाहे सामने ये मेरे को एक बंदा देखा सामने, ठीक है तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोका, गाड़ी रोकने के बाद में अब भाई साहब ये बंदे मेरे पे बैक टू बैक रस करते हैं, बस देखते जाओ इन बंदों को कैसे क्लच करेंगे। मैं यहाँ पे आया
सामने पहला का बॉट है, लेकिन फिर बाद में ऑप्टिकल देखो तो बंदा था। अब जैसे ही आया डैमेज हो गया था, एंड उसका एक बंदा मेरे पे भाई, इसने अंधा पुश कर दिया। एंड ये वाले बंदे को नॉक एंड इंस्टेंट फिनिश कर देता हूँ। और जो उसका एक बंदा बच रहा था ना, वो था नीचे, ठीक है। अब नीचे वाले बंदे को कैसे मारेंगे, जैसे मैंने इसको फिनिश करा, वो वाला बंदा भाई देख रहे हो कैसे प्रश्न दे रहा है। अब जैसे ही बाहर गया वैसे ही नीचे कूदा, कूदने के बाद भाई साहब वो जंप करके फिर से अंदर आया, अंदर आके गेट बंद करके बैठ गया आराम से। मैंने गेट खोला एंड से पूरा पेल पेलने के बाद में इसका एक और जो कि भाई सस्ते में से कर, इसको यहाँ पर नॉक एंड फिनिश किया। नॉक एंड फिनिश करने के बाद एक इसको भी नॉक एंड फिनिश किया भाई। इसके बाद में ना ये बंदे फिर से रिकॉल होते हैं, और रिकॉल होने के बाद में ये बंदे मेरे को मिलते हैं पोचिंगी के रिकॉल सेंटर पे। बस देखते जाओ, चलो पढ़ते हैं हमें। तो फिलहाल गाड़ी लेके आया सीधा रिकॉल सेंटर पे, बिकॉज भाई मुझे पता है कि जो बंदे मरते हैं एक को नॉक किया एंड फिर एक नेड करता हूँ। जैसे भाई नेड कर रहा था ना, मेरे पीछे से एक गाड़ी आई, देखो ना मेरे पीछे से भाई एक गाड़ी आई, फटाफट मैं अंदर गया फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद में देखना ये जो उसका एक बंदा है ना, ये पहले तो मेरे को लगा कि भाई ऑफलाइन है, लेकिन हाँ ये ऑफलाइन ही था। देखते जाओ बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ला के मारता हूँ। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे, मेरे को शक नहीं होता, लेकिन फिर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता हूँ एंड फिर जाता हूँ। देन मेरे को पता लगता है कि भाई ये बंदा तो ऑफलाइन है एंड ये दोनों के दोनों ऑफलाइन है, तो इन दोनों को पेल देते हैं यहाँ पूरा। एंड पेलने के बाद में जैसे ही मैं इन बंदों को लूट वगैरह कर रहा था ना, इन बंदों की, वैसे ही यहाँ पे जो गाड़ी वाले बंदे थे वो फ्लैंक करके यहाँ पे आ चुके थे। एंड आने के बाद में देखना भाई नेट वेट सब बरसा रहे हैं मेरे पे। इन बंदों को भाई क्या ही मारूंगा भाई, जितने नेट तुम्हें बरसाने हो बरसा लो, मेरा एक नेट तुम गए। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ बूस्ट वगैरह करता हूँ भाई, बिकॉज रस करेंगे बंदे ना तो हील फुल चाहिए होगी। देन अब वो बंदा सामने था, नेट खींचा मैंने लेकिन कैंसिल कर दिया भाई, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं भाई, तो कैंसिल कर देंगे ना हम। एक मिनट और खींचा एंड अब वो जो बंदा था, एक बंदा भाई नीचे है उसका, एक बंदा ऊपर, ठीक है। हाँ तो अब भाई ने मुंह दिखाई कर दिया है, तो अब नेट कर सकते हैं एंड लो खुद ही फट गया नेट से, और क्या ही फट गया नेट से। एंड भाई अब मैं इन बंदों पर कर देता हूँ रस, उसको भी कर दिया डैमेज एंड अब तो रस करना बनता है भाई। एंड इन दोनों बंदों को भाई नेट से फोड़ते हैं, क्या ही देखते जाओ बस। जैसे पहले मैं एक मौली करता हूँ, लेकिन भाई मौली अलग ही नशे कर रही थी, देखते जाओ कहाँ हो जाएगी भाई। यहाँ पर जायरो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, नीचे हो गई मौली एंड जो नेट था इससे ये दोनों के दोनों बंदे फट जाते हैं, बिकॉज यहीं पर रिवाइव कर रहा था भाई वो बंदा उसको। एंड दोनों बंदे फट गए भाई, लेकिन डिस्क्रिप्शन कर दो अगर अच्छे लगे गेम प्ले, नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे लगे तो करो। फिलहाल हक से यार इन दोनों की पेटी लूटता हूँ, लूटने के बाद में भाई लूट ले और तो खा ले। लूटने के बाद में भाई और बंदों की तलाश में अपन निकल चलते हैं आगे, और आगे भाई साहब कभी तबाही होने वाली है, बस देखते जाओ। तो फिलहाल मैं पेल पाल के सीधा यही वाले सीन दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे बिल्कुल तबाही ना बोलूँगा नहीं, बस तुम देखते जाओ।
तो जहाँ से हमने स्टार्टिंग में कट किया था ना, वहीं से अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट, तो यहाँ पे यह वाला सुन था वो टीम का जो बंदा बजा था ना यहाँ से। अब देखो ये एक था ना, दो थे, अगर यहाँ पे वो बंदे रस करते तो मैं जाता, तो मैं ऊपर आके इस पर एक नेट वगैरह ट्राई करता हूँ, बिकॉज सैक के पीछे जा चुका था। देन यहाँ पे मैंने एक नेट खींचा एंड इस पर फेंका, एंड कुछ नहीं हुआ, देखना। एंड फिर मैं यहाँ पे आके दूसरा नेट भी करने लगता हूँ और गलत सीन भाई हो जाते हैं मेरे साथ में। यहाँ पे देखते जाओ, मैं कैंसिल करता हूँ नेट, कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पे आके बूस्ट करने लगता हूँ, बिकॉज रस हो रहा था मेरे पे। ऐसे ही कर रहा था भाई, उस बंदे ने मेरे को AMR से यहाँ पे पेल दिया तो यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा बताओ कैसा लगा गेम प्ले, टेक्निकल करो एंड कमेंट में बताओ कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बताओ कैसा लगा।